शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वेलकम वेलकम प्रिंसेस। अंजलि से मिलने क्यों आई है? ये तो अपनी फर्स्ट डेट की बात कर रहा था, तो क्या अंजलि इसकी फर्स्ट डेट है? मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। भैया उनके लिए भी। यश जी, हमें आदित्य को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि इन्होंने हम दोनों पति पत्नी को कॉफी पर जो इनवाइट किया। थैंक यू आदित्य, इतनी मेहरबानी की। इन्हें शायद हम दोनों पति पत्नी की जोड़ी बहुत पसंद है ना आदित्य जी? वाह, हम दोनों के लिए आपने कितनी अच्छी सजावट की है। सच में हम दोनों पति पत्नी की तरफ से आपको दिल से थैंक यू। यश जी, आपको पता है आदित्य बहुत जिद कर रहे थे कि किसी भी तरह यश जी को इस कैफे में लेकर ही आना। क्या हुआ, आप इतने हैरान क्यों हो गए? अच्छा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि हम यश जी को अपने साथ कैसे लेकर आ गए? वो क्या है ना, जब आप हमें यहाँ आने के लिए इनवाइट कर रहे थे, हमें तभी यश जी का मैसेज आ गया था कि वो कुछ ही देर में घर पहुंचने वाले। तो बस हमने उन्हें सीधा यहीं बुला लिया। हम दोनों पति पत्नी के लिए कितनी अच्छी डेट प्लान की आदित्य ने। सो डेट शुरू करें? यस। एक्सक्यूज मी, आपको भी तो कॉफी पीनी थी ना हमारे साथ। एक मिनट आप रुकिए, वेटर भैया इनके लिए भी एक चेयर ले आए। मैडम, ऐसे
ऐसी कोई सिचुएशन है जिसे तुम हैंडल नहीं कर सकती? एक ही तो दिल है, कितनी मर्जी तो भी। तुम तो बहुत ही समझदार हो। उस बेचारे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। भाई इस बात पे तो मुझे आप पर और ज्यादा प्यार आ रहा है। थैंक यू। मैंने सिर्फ उसे बुलाया था और वो यश को अपने साथ लेकर आ गई। अंजलि ने धोखा किया है मेरे साथ। ये तो वही लड़की है जिसकी सगाई यश के साथ होने वाली थी और ऐन वक्त पर यश ने ये लो, सबसे पहले अपने आंसू पूछ लो। मैं जानता हूं यश और अंजलि को साथ देखकर तुम्हें रोना आ रहा है ना? नहीं, मैं उन्हें आजाद कर चुकी हूं। अब मेरे दिल में कुछ भी नहीं है यश के लिए। बड़ी जल्दी हार मान ली तुमने। अरे मोहब्बत की जंग तो तब तक लड़नी चाहिए जब तक जीत हासिल ना हो जाए, और तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। लेकिन मैं आदित्य राजपूत तब तक ये जंग लड़ता रहूंगा जब तक अंजलि को हासिल ना कर लूं। वैसे इसने तुम्हें कॉफी पे क्यों बुलाया था? अरे सिर्फ हमें नहीं, हम दोनों को बुलाया था यश जी। मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ। जो इंसान मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है वो मुझे कॉफी पीने के लिए क्यों बुलाएगा? वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर भी हमें सावधान रहने की जरूरत तो है। ये सनकी आदमी कब क्या कर बैठे कुछ नहीं पता। यश जी आप ये बताइए कि सरकारी दफ्तर में क्या हुआ? प्रोसेस थोड़ा लंबा है, टाइम लगेगा, लेकिन लेकिन हो जाएगा। तुम चिंता मत करो अंजलि, मैं इस आदित्य को जीतने नहीं दूंगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है। हमें आदित्य को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि इन्होंने हम दोनों पति पत्नी को कॉफी पर जो इनवाइट किया। तो कहा था कि वहां पर ब्लास्ट हुआ है। तुम्हारे सवालों का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते, लेकिन फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता देते हैं कि वहां कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। एक ट्रक का टायर फटा था बस। लेकिन क्या पूछना चाहते हो? यही ना कि हमें कैसे पता चला? पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है ये तुम नहीं समझोगे। या हमें उनकी फिक्र हुई और तुरंत उनका मैसेज आ गया कि वो ठीक हैं। ऐसा होता है पति पत्नी का रिश्ता। फिर हमने
हमने सोचा चलो तुम्हारी वजह से ही सही, क्यों ना हम दोनों पति पत्नी कॉफी डेट पर चले जाते हैं। आइडिया सही है ना? वैसे तुमने सावित्री सत्यवान जी के बारे में सुना है? तो यूं समझ लो जैसे सत्यवान जी के साथ हमेशा उनकी सावित्री थी, वैसे ही यश जी के साथ हमेशा उनकी अंजलि है। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।